पूरा मजमा साथ में बोले वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबी अजमाईन अम्मा बाद अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ला तहसबन्नल्लजीना कुतिलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बहुत ही मुकर्रम और मोहतरम और मुबज्जल और मुफज्जल उलमाए किराम असातीने इल्म फजल मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का एहसान करम नानंद पेड़ा नानंद पेड़ा में फिर एक मर्तबा, शायद मेरे ख़्याल से तीसरी या चौथी मर्तबा, कौन सी मर्तबा, तीसरी मरतबा अल्लाह ने हम सबको जमा होने की तौफीक अता फरमाए। ये नानन पेड़ा वाले साल में एक ही मरतबा बुलाते हैं, बोलते सोचते होंगे खाता बहुत है इसलिए एक बार खिला दो फिर 12 महीने के बाद बुलाओ। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि इस वक्त जो हम आए हैं बहुत प्यारे महीने में आए हैं, मुहर्रम महीना। बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। ये मुहर्रम महीना है, ये हमारे इलाके में आया, पूरी दुनिया में मुहर्रम महीना आया। जब मदीने में ये मुहर्रम महीना आता था, बोलो जब मदीने में ये मुहर्रम महीना आता था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे और एक दुआ पढ़ाते थे, और सहाबा को पढ़ाते थे और कहते थे अपने बीवी बच्चों को भी पढ़ाओ। और हमने जब वो दुआ देखी, अल्लाह की कसम वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अगर कहो तो गलत नहीं होगा, वो दुआ इतनी प्यारी है कि अगर मैं और आप पढ़ ले और अल्लाह कबूल कर ले तो दुनिया भी हमारे कदमों में, आखिरत भी हमारे कदमों में। तो दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हो सकता बहुत सोने पढ़ भी ली होगी क्योंकि मुहर्रम महीना आ गया है और अब तो 10वीं मुहर्रम करीब करीब है। वो दुआ बहुत प्यारी है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पढ़ते थे, पढ़ाते थे, सहाबा पढ़ते थे, अपने बीवी बच्चों को पढ़ाते थे। कौन सी दुआ, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिदवानि من الرحمن وجوار من الشيطان। मैं अब आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ोगे ना इंशाल्लाह, पढ़ो अल्लाहुम्मा, कोई खामोश नहीं रहेगा, सबको दुनिया आखिरत दोनों चाहिए। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमन वल ईमान والسلامتي والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان। बहुत प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनि वल ईमानि वस सलामति वल इस्लाम व रिदवानिम मिनर रहमानि व जिवारिम मिनश शैतान। पूरा मजमा बोले, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुहर्रम महीना आए, इस्लाम का नया साल आ जाए, हमारे नबी ये दुआ पढ़ते थे, पढ़ाते थे, सहाबा भी पढ़ते थे और
पढ़ाते थे, जिसका तर्जुमा ये है, चार बातें हैं। सबसे पहली बात, अल्लाह ये मुहर्रम महीना आया या आने वाला पूरा साल, ए अल्लाह हमें अमन चैन सुकून अता फरमा दे, जानी माली आबरूई सारी रहमत अता फरमा दे। पहली दुआ, पहली दुआ। दूसरी दुआ, हमारे नबी फरमाते थे, अल्लाह ए अल्लाह इस्लाम और ईमान हमारे दिलों में जमा दे। और तीसरी दुआ, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, बोलो तू हमसे राजी हो जा, और अल्लाह राजी हो जा, इससे बढ़ के कोई नेमत नहीं। खुद अल्लाह फरमाते, वरिदवानुम मिनल्लाही अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। तीसरी दुआ, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, बोलो सुभान अल्लाह। और नंबर चार, हमारे नबी फरमाते, अल्लाह आने वाला पूरा साल शैतान और नफ्स के धोखे से हमें बचा ले। तो बताओ, ये दुआ कबूल हो जाए तो दुनिया आखिरत मिल जाए कि नहीं मिले? अल्लाह राजी, शैतान का धोखा खत्म, ईमान इस्लाम मजबूत, और अल्लाह जान में माल में आबरू में ए छप्पर फाड़ के बरकतें आता फरमावे। मतलब दुनिया भी अपनी, आखिरत भी अपनी, क्योंकि मुहर्रम महीना, न्यू ईयर, नया साल, और इस्लाम का नया साल, ईमान का नया साल, अमन वाला बोलो सुभान अल्लाह, सुकून वाला बोलो सुभान अल्लाह, इत्मीनान वाला बोलो सुभान अल्लाह, ईमान और इस्लाम के बनने बनाने वाला बोलो सुभान अल्लाह, और अल्लाह राजी होने वाला और शैतान से बचाने वाला। अल्लाह ये महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो महीना है ना, मुहर्रम महीना, हाजी अनवर साहब आप तो अहवा से आए, ये आ रहा हूँ मैं आपके ऊपर भी आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तवा गर्म होने दो भाई मेरे को। हाँ ज़रा, मैं इतना, कितनी देर सुहेल मेरे को बोलना है, कब तक बोलना है, कोई टाइम आपने तय किया है? जी चलता रहो ना, सुनेंगे ना सब इंशाल्लाह। हाँ, इसलिए मैंने भी खाना वाना खा लिया कि कोई मगजमारी नहीं। फिर आप लोग घर में पूछ पूछ के आए हो ना, वरना औरत बिगड़ती है, बीवी बहुत बिगड़ती है, कि कुछ 9:05 या 9:10 की जमात थी, तो इतनी देर में काय को आया, अब वहाँ बोल। मालूम है मैंने वो सूरत है ना, सूरत सब मालूम है, सूरत शहर। हाँ, मैंने लंबा बयान किया हाजी साहब, बहुत लंबा बयान, ईशाबाद बयान शुरू हुआ, ओ बयान ख़त्म होते होते रात के 1 बज गए। 1 बजे मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा और आगे बढ़ा, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, कारी साहब दरवाज़ा नहीं खुलती। कौन कौन नहीं खुलती? बीवी तो नहीं खोलेगी ना, तुम तो है करके देखते हो मेरे को। बीवी तो मैंने कहा, ओ बीवी को क्या, बीवी को क्या, कारी है मदली, कारी है मदली, लंबा बयान। तो कहा वो तो मैंने कहा, तो मैंने कहा बीवी ने क्या कहा? बीवी ने कहा कारी साहब को पूछो बीवी है कि मर गई, इतना लंबा लंबा बयान काय को करता है। तो आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं ना कोई? सब सुनेंगे ना इंशाल्लाह। ये मुहर्रम महीना, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। ये मुहर्रम महीने में इतने वाकयात, इतने वाकयात, इतने वाकयात, मेरे जैसे नालायक को 25 वाकयात मालूम है। कितने मालूम है? आज कितने सुनाओ? 25 पूरे सुनाओ तो फजर की नमाज भी यहाँ पढ़ना पड़े। सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे, एक दो तो सुन लो, सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये मुहर्रम महीने के बहुत से वाकया थे मेरे प्यारों, और अल्लाह की कसम बहुत मुबारक महीना है, बोलो सुभान अल्लाह। और ये वाकयात पे आने से पहले अपना ईमान मजबूत कर लो। करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा बोले करने धरने वाला कौन? अल्लाह। ये हम जो बैठे हैं ना, ये बिठाने वाला कौन? ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे बोलने की ताकत देने वाला कौन? अल्लाह। और हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह। रुलाने वाला कौन? अल्लाह। सब कुछ करने धरने वाला कौन? अल्लाह। बल्कि मेरे प्यारो, एक थोड़ी देर के लिए सोचो, ये रात आई दिन गया, दिन आया रात गई, अंधेरा फिर उजाला। कितने बड़े लोग आए, कितने बड़े गए, कितने खानदान वाले खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, मगर ये निज़ाम में कमी नहीं आती। रात अपने टाइम पर आती है और दिन जाता है, और दिन आता है और रात जाती। इसीलिए अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा दूर काहे को जाता है, रात दिन देख ले उसमें भी तुझे अल्लाह नज़र आएगा। बोलो सुभान। क्यों दूर जाता है, क्यों भटकता है? रात दिन का निज़ाम देख ले, ये करने वाला कौन है? खला। मेरे साथ में पढ़ो ना, खल्ला ने फरमाया, तोली जुल्लैल फिन
النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء बगैर हिसाब। पूरा मजमा बोले रात को दिन में बदलने वाला कौन? अल्लाह ही। दिन को रात में बदलने वाला कौन? अल्लाह ही। हम जिंदा है, हमें मौत के घाट उतारने वाला कौन? अल्लाह ही। फिर हमें वापस कयामत में जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। अमीर बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। गरीब बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह ही। जलील करने वाला कौन? अल्लाह ही। फरमाते मेरा बंदा दूर न जा, रात देख ले दिन देख ले, तुझे अल्लाह की कुदरत उसमें भी नजर आएगी। अल्लाह ने फरमाया वजअलना लैला वन्नहारा आयतैन फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नगारी मुबसिरा। पूरा मजमा बोले ना ये सारे निजाम को चलाने वाला कौन है? अर्शो फर्श का पैदा करने वाला कौन है? अरे बोलो ना आफ्ताब महताब का पैदा करने वाला कौन है? आसमानो जमी का पैदा करने वाला कौन है? सब कुछ करने धरने वाला। ये मुहर्रम के 25 वाकयात भी यही बताते, वो क्या करता है? अल्लाह की कसम ये वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आपको मालूम है मैं पहले वाक्य पर आ रहा हूँ, 25 तक तो नहीं जाएंगे। पहला वाक्य तो सुनेंगे ना सब लोग इंशाअल्लाह, यानी बोलो ना सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। क्या वो अल्लाह की कुदरत है, कसम अल्लाह की, क्या अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करते हैं, बोलो किनको हजरत? और अल्लाह ज़मीन पर पैदा नहीं करते, हजरत आदम ज़मीन पर पैदा कहाँ पैदा हुए? आसमान पर। और हजरत आदम को बचपन नहीं मिला, डायरेक्ट जवान, अरे बोलो डायरेक्ट। और हजरत आदम के अम्मा अब्बा भी नहीं, नो मदर नो फादर। वो तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम के पुतले को तैयार किया, जसद मुबारक, जिसम मुबारक अल्लाह ने तैयार किया, और अल्लाह ने रूह डाली, हजरत आदम जिंदा हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। बताओ बचपन मिला नहीं, जमीन मिली नहीं, अम्मा मिली अब्बा मिले, हजरत आदम जिंदा हो गए। अल्लाह ने रूह डाली, हजरत आदम जिंदा हो गए। अल्लाह ने फरमाया फ़ाइदा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हजरत आदम के जिस्म को मैंने तैयार कर दिया और मैंने उसमें रूह डाल दी। पूरा नानन पेड़ा बोलो हजरत आदम जिंदा हो गए। बोलो हजरत आदम। और जिंदा होने के साथ ही क्या किस्मत लेकर आए थे, क्या किस्मत लेकर आए थे। जैसे जिंदा हो गए अल्लाह ने कहा जाओ जन्नत में। अरे जाओ, हम तो पैदा हुए तो पहले चीची ने चूचू ने कितनी मगज मारी, ने अभी भी मगज मारी। हजरत आदम को अल्लाह ने फरमाया डायरेक्ट, बोलो कहाँ? जन्नत। अरे दुआ करो ना अल्लाह हमको भी ले जावे। जाना जाना जन्नत में जाना, हाँ बोलो ना जाना जाना। किस किस को जाना है? मैं अगर ये सूरत में पूछा होता ना यूँ हाथ करते, यूँ यहाँ कितने लोगों ने यूँ किया, यूँ क्यों? छोटी में जाना, बड़ी में नहीं जाना भाई, जाना ना जन्नत में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत में जाओ। वकुल्ला या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैथु शीतुमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने ऐलान कर दिया आदम तुम जिंदा हो गए, अब जन्नत में चले जाओ। अच्छा हजरत आदम जन्नत में, बोलो हजरत आदम आराम ही, अरे बोलो ना आराम ही। बस सच बताओ जन्नत में आराम होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना आराम होगा। कोई टेंशन होगा जन्नत में? हाँ, रोटी का, कपड़े का, मकान का, बीवी का? यूँ यूँ करते हैं नहीं,
नहीं सही में कोई टेंशन नहीं होगा, बल्कि जन्नत में कैसा होगा मालूम है, अगर हमको ऐसा दिमाग में आया कि मेरे को जन्नत में एप्पल खाना है, एप्पल समझते हो ना, सेब, सेब खाना, ऐसा दिमाग में आया कि मेरे को एप्पल खाना है, और हम अल्लाह को कहेंगे अल्लाह ओ मेरे को एप्पल चाहिए, वो जन्नत का एप्पल आ जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जैसा एप्पल आ गया ना, हमने अल्लाह से मांगा, अल्लाह एप्पल दे दे, अल्लाह ने सेब दे दिया, ये सोचेगा नहीं। मुड़नी है आम खाने का है, क्या खाने का है, आम। अब सिर्फ सोचेगा उसके हाथ में जो एप्पल है ना वो आम बन जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो हैरान हो जाएगा कि दुनिया में तो ऐसा कुछ करने जाओ तो अब्बा मारे, जैसे अब्बा को बोले सेब लेकर आना, अब्बा सेब लेकर आए, थोड़ी देर में कहता ना अब्बा मेरे को तो आम खाना, तो ये बोची पे देगा, बड़ा आया आम खाना, अभी रात को कौन आम लेने के लिए जाएगा। लेकिन जन्नत में जो मांगेंगे बोलो अल्लाह दे, और सिर्फ मांगेंगे नहीं सोचेंगे अल्लाह देगा। मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी जन्नत में आ जा, जो मांगेगा आता करूंगा, जो सोचेगा वो भी आता करूंगा, इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान खुद अल्लाह होगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां पहुंच गए, बोलो ना साथ में बोलो ना, कहां पहुंच गए, पैदा हुए, रूह डाली, जिंदा हुए, और कहां चले गए। अल्लाह ने पूछा हजरत आदम जन्नत में आराम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह बहुत आराम, मगर अकेला अकेला क्या करो, अकेले अकेले। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम की बाई पसली से एक औरत को पैदा फरमाया जो हमारी माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने कहा जाओ अब मियाँ बीवी रहो, खाओ पियो, भाई खाओ पियो, कोई तुमको रोकने वाला नहीं, सारी जन्नतें तुम्हारी, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ लेकिन अल्लाह ने फरमाया एक काम, आदम हव्वा, आदम हव्वा हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी, एक काम, वो जन्नत में देखो छोटा पौधा दिखता है, छोटा सा पौधा था ओ कोने में, कहाँ दिखता है, कहा उसमें तीन दाने हैं, कहाँ दिखते हैं, बस अल्लाह ने कहा वो दाने मत खाना, दाने मत खाना, वो पौधे के करीब भी मत जाना, वो दरख्त के करीब भी मत जाना, बाकी पूरी जन्नत तुम्हारी, बोलो पूरी जन्नत तुम्हारी। अल्लाह ने कहा सिर्फ वो दरख्त के करीब मत जाना, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे प्यारे आदम और हव्वा वो दरख्त के करीब मत जाना, पूरा मजमा बोले उसमें कितने दाने हैं, मत जाना, चलो आराम से रह रहे, हजरत आदम भी जन्नत में, बोलो हजरत हव्वा भी। शैतान ने एक दिन भड़काया, और आदम को नहीं भड़काया, किसको, हव्वा को, क्या कहा मालूम, वो दाने खा लो, वो दाने खा लो, हजरत हव्वा ने कहा ना अल्लाह ने मना किया, इसीलिए तो मना किया है कि क्यों यहाँ तुम टेम्पररी हो, वो दाने खा लोगे तो पूरी जन्नत परमानेंट तुम्हारी हो जाएगी, अभी कागज़ पे तुम्हारे नाम आए नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी है ना उसमें तुम्हारे नाम आए नहीं, वो दाने खा लो तुम्हारे नाम। ये शैतान ने किसको भड़काया, हजरत हव्वा हजरत आदम के पास गई, कहा ओ अभी तक ये जन्नत की प्रॉपर्टी हमारे नाम हुई नहीं है, वो दाने खा लेंगे ना तो प्रॉपर्टी अपनी है, पूरी जन्नत अपनी है। हजरत आदम ने कहा तौबा करो, अल्लाह ने हमको जन्नत में रखा, काय की प्रॉपर्टी और काय को दाने खाने का, पूरी जन्नत खाने के वास्ते पड़ी है, वो दाने क्यों खाने का। बस हजरत हव्वा कहती रही खा लो ना खा लो ना, बीवी का अंदाज भी अलग होता है। हजरत आदम और हजरत हव्वा ने खा लिया, और खाए भी कैसे मालूम, कितने दाने थे, दो हव्वा ने खाए, दो बीवी ने खाए, और एक मेरे को किसी ने कहा था मौना शरीयत में विरासत मिलती है तो औरत को सिंगल, मर्दों को, लड़की को सिंगल, लड़के को डबल, ऐसा काय को, मैंने कहा वो लड़की ने वहाँ डबल ले लिया, वहाँ हव्वा ने कितने दाने खा लिए,
दो हजरत आदम को कितना दाना मिला, बस जैसे दाने खाए, अल्लाह ने मना किया था ना, बोलो ना, अल्लाह ने मना किया था ना, बस अल्लाह का ऐलान आया, उतरो जमीन पर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जमीन पर आ जाओ, अब नो जन्नत नो पैराडाइज कुछ नहीं, अब जमीन पर आ जाओ। वलकुम फिल अर्ज मुस्तकरुन व मताउन इलाहीन। अल्लाह ने फरमाया आदम आओ जमीन पर आओ। अच्छा ऐसा भी नहीं कि जमीन में साथ में उतारा, हजरत आदम को अल्लाह उतारे कोलम्बो पहाड़ पर श्रीलंका, कहाँ, और हजरत हव्वा को उतार रहे जद्दा, जद्दा को जो हम उम्रे में जाते हैं ना, जिद्दा बोलो जद्दा बोलो, वो जिद्दा जद्दा के माने दादी अम्मा, हमारी दादी अम्मा वहीं उतरी थी, तो हजरत हव्वा जिद्दा में और हजरत आदम बोलो कहाँ, श्रीलंका में। और अल्लाह ने कहा जैसे ये लोग आए ना, अल्लाह ने फरिश्तों को हजरत आदम के पास भेजा, कहा इनके बदन पर कपड़े उतार लो, कोई नहीं था जमीन पर, कोई नहीं था, हजरत आदम श्रीलंका कोलंबो पहाड़, फरिश्ते आए कपड़े उतारने आए, तो हजरत आदम ने कहा नहीं कपड़े तो ना उतारो, कहा जन्नती कपड़े दुनिया में सूट नहीं होते, भाई जन्नत वाले कपड़े यहाँ थोड़ी सूटेबल है, तो उतार दिया फरिश्तों ने कपड़ा उतारा, हजरत आदम को इतनी शर्म इतनी हया आई, वहाँ दरख्त थे ना, दरख्त के पत्तों को अपने ऊपर लपेट लिया, बोलो दरख्त के पत्तों को अपने, और ये मैं नहीं कहता कुरान में लिखा है, अरे बोलो कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान में, अल्लाह ने फरमाया फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा अश्शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा वतफ़िका यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। बस अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को कहा कपड़े उतारो, अब सुनना मेरे प्यारो, हजरत आदम ने वो दरख्त के पत्तों को लपेटा और फिर हजरत आदम ने जो रोना शुरू किया, लग कहा जन्नत कहा जमीन पर आ गया, अल्लाह माफ़ कर देना, बोलो क्या कहा, अल्लाह अल्लाह माफ़ कर दे, ऊपर से आवाज़ आवे माफ़ी की बात नहीं करने का, माफ़ी की बात, मेरे प्यारो कुछ एक दो दिन का मामला थोड़ी था, हदीस में लिखा 300 साल तक हजरत आदम रोते रहे, पूरा मजमा बोले कितने साल, फबका आदम सलासा मिअति सिनीन, 300 साल तक हजरत आदम की एक ही आवाज़ अल्लाह माफ कर दे अल्लाह माफ कर दे अल्लाह, कितना रोए होंगे कितना रोए होंगे, न खाना चैन का न पीना चैन का न रहना चैन का, 300 साल तक रोते रहे। आपको मालूम है 300 साल के बाद एक सुबह में अल्लाह की आवाज़ आती, या आदम इला मता तबकी, आदम कब तक रोगे, आदम कब तक रोगे। अच्छा अल्लाह ने कहा ना या आदम, ए आदम, ओ हो हो हो, हजरत आदम खुश हो गए, 300 साल के बाद अल्लाह आपने मेरा नाम लिया, अल्लाह आपने मेरा नाम लिया, अब मुझे पूछ रहे हो मैं कब तक रोऊंगा, अल्लाह ने फरमाया हाँ तुम्हें पूछ रहा हूँ बताओ कितना रोगे, हजरत आदम ने फरमाया अल्लाह रोता रहूँगा जब तक जान में जान रहेगी, रोता रहूँगा और उस वक्त तक रोता रहूँगा जब तक तू राज़ी नहीं हो जाएगा, जब तक तू राज़ी नहीं हो वहाँ तक मैं रोता रहूँगा रोता रहूँगा। अच्छा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हजरत आदम से कितनी गलती हुई, सब बोलो साथ में कितनी हुई, एक, और रोए कितने साल, हमसे गलती कितनी, और रोना काय का रोना, काय का रोना, गलती को गलती समझे तो रोवे ना, हम हजारों गुना मोबाइल पर करें लेकिन रोना नहीं आता हमको, बल्कि समझता मैं मोबाइल का एक्सपर्ट हूँ, हमारा मोबाइल का इंस्टाग्राम, हमारा मोबाइल का टिकटॉक, हमारा मोबाइल का फेसबुक, हमारा मोबाइल का व्हाट्सएप, हमारा मोबाइल में जीना हो रहा, हमारे मोबाइल में चोरी हो रही, हमारे मोबाइल में वियाज का कारोबार हो रहा है, हमारे मोबाइल में झूठ बोला जा रहा है, हमारे मोबाइल में गीबत हो रही है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, हमारे मोबाइल में तोहमत लगाई जाती है, अरे रात के अंधेरे में सारी दुनिया समझती है कि ये जवान, अरे हमारा अब्बा भी समझता कि मेरा बेटा सो गया लेकिन बेटा मोबाइल की दुनिया में खो गया और नंगी नंगी औरतों को मोबाइल में देखता है, ये नहीं सोचता ये जो मैं नंगी औरत को देखता हूँ अगर ये मेरी बेटी होती तो, मेरी बहन होती, मेरी बीवी होती, मेरी माँ होती, मेरे घर की बहू होती तो मैं ऐसा नंगा नाच देखता,
नाचता हुआ देखता मैं। मेरे दोस्तों कसम अल्लाह की आज हमारी माँ हमसे नाराज है हमारे मोबाइल की वजह से। हमारा बूढ़ा बाप जो जन्नत का दरवाजा है वो भी हमसे नाराज है। माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है वो हमसे नाराज है। हमारी बीवी बेचारी थकी हुई पूरे दिन की थकी हुई सोच रही मेरा हस्बैंड आएगा मेरा शोहर आएगा सलाम दुआ करेगा मेरी खैरियत पूछेगा। हस्बैंड आया हाथ धोया खाया पिया ले लेके बैठ गया। क्या वो भी सोचती है इसको मुझसे प्यार होता तो एक बार खैर खैरियत तो पूछा होता, ये तो मोबाइल का हो गया। हमको मोबाइल माँ से ज्यादा मोहब्बत, हमको मोबाइल अपने अब्बा से ज्यादा मोहब्बत, हमको मोबाइल अपने बीवी बच्चों से ज्यादा मोहब्बत। और माफ करना, हमको मोबाइल मदीने वाले मोहम्मद से भी ज्यादा मोहब्बत। क्या मोबाइल है, फजर की नमाज जाती है आ गई हो गई कोई बात नहीं। और सच बताना मोबाइल अभी घूम जावे तो, अभी आपका मोबाइल घूम गया आपने जेब में हाथ डाला और मोबाइल नहीं, फिर आपने यहाँ हाथ डाला फिर भी मोबाइल नहीं, यहाँ नहीं, क्या करोगे आप, क्या करो, एकदम परेशान परेशान परेशान। और सामने वाले को क्या कहेगा, ए मेरे मोबाइल पर घंटी बजा, अरे अरे रिंग तो का, अरे रिंग तो का, अरे मैं कहाँ भूला, अरे मैं घर में भूला ऑफिस में भूला, अरे क्या हुआ, अरे मेरे प्यारो मोबाइल के वास्ते जो तेरे को झटका लगा। काश फजर की नमाज के वास्ते ऐसे झटका लगा होता, ये झटका हम सबको जन्नत में पहुंचा देता। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे प्यारो? मुझे एक भाई ने कहा हाजी अनवर, मैं हैरान हो गया, ओ हमारे सूरत का रहने वाला और अल्लाह ने बहुत मालो दौलत से नवादा, बड़ी इमारत है उसकी। वो कहता मैं ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता हूँ बेटा सुहेल सुनना। और वो अब्बा कहता है कि मैं रूम में आके ईशा की नमाज के बाद मैं अपने कमरे में आता सीटिंग रूम में आता हूँ और सीटिंग रूम में मैं अपनी तस्बीह निकालता हूँ। कहता 15 रात से मैं देखता हूँ मेरा बेटा एक आध घंटे के बाद ईशा के बाद घर में आता है घंटी बजाता है, हमारे काम करने वाले दरवाजा खोल देते, वो मोबाइल के साथ अंदर आता है और धीरे धीरे कदमों से मोबाइल पे बात करता 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 अपने कमरे में चला जाता। वो बाप कहता है अल्लाह की कसम 15 रात हो गई कभी मुड़कर मेरी तरफ देखकर नहीं कहा अब्बा आपने दवा पी के नहीं पी, अब्बा आपको सर में तो दर्द नहीं होता, अब्बा आपको तकलीफ। वो बाप मुझे रोकर कहता है कारी साहब एक जमाना मेरी गरीबी का था, ये मेरा बेटा खिलौना मांगता था, खिलौना महंगा होता था, मैं कर्जा लेता था लेकिन मेरे बेटे को खिलौना ला कर देता था। मुझे अभी भी याद है कहा मेरे बेटे ने एक मरतबा बहुत महंगी चीज़ मांगी, मैंने 12 घंटे की जगह 24 घंटा मजदूरी की और मेरे बेटे को लाकर वो चीज़ दे दी। आज मेरा बेटा 15 रात हो गई बाप को सोफा पर बैठा हुआ देखता मगर पूछता नहीं कि अब्बा तुम्हारा क्या हाल है। मेरे दोस्तों ये खुल्लम खुल्ला बताता है कि कहीं ये मोबाइल मौत के वक्त हमारा कलमा तो नहीं छीन लेगा। जब हमको इसी से मोहब्बत हो गई है, न नमाज न रोज़ा न ज़कात न माँ न बाप न खानदान न कुंबा न कबीला। खैर मैं किसी और बात पर चला गया ना, मैं बात किसकी सुना रहा था हजरत, हजरत आदम वाक्या तो याद है ना, अल्लाह तबारक व ताला ने, हाँ बोलो ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती कितनी, एक, और तौबा कितने साल। हमारी गलतियाँ कितनी बहुत है और रोना तो कुछ आता ही नहीं है। चलो मैं आपको यहाँ पर लाकर बता रहा हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितने साल रोए, अल्लाह की आवाज़ आई आदम कब तक रोगे, का अल्लाह जब तक जान में जान रहेगी रोता रहूँगा, तू राज़ी हो जाना अल्लाह। अब अल्लाह क्या फरमा रहे 300 साल के बाद, अल्लाह फरमाते हैं मेरे आदम फिक्र मत करना, एक दुआ बताता हूँ पढ़ लो। यानी दुआ बताना भी मेरा काम है पढ़ना तुम्हारा काम है। बोलो सुभान अल्लाह, ने कितना आसान कर दिया 300 साल के बाद, आफ्टर 300 ईयर्स अल्लाह फरमाते दुआ देना मेरा काम है पढ़ना तुम्हारा काम होगा। हजरत आदम ने खुशी के मारे कहा अल्लाह दे देना दुआ, लेकिन क्या मिलेगा क्या, सुनना सुभान अल्लाह बोलना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया मेरे आदम में एक दुआ दूंगा, दुआ देना मेरा काम होगा। बोला दुआ देना अल्लाह का काम होगा, पढ़ना हजरत आदम का काम होगा। हजरत आदम ने पूछा अल्लाह मैं वो दुआ पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया मेरी कसम ए आदम जैसे तुम दुआ पढ़ोगे
तुमसे जो गलती हो गई है मैं उसे माफ कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। नंबर दो, आदम तुम यही दुआ पढ़ोगे, जो जन्नत से तुम्हें हटाया गया मेरा वादा है एक दिन तुम्हें और हव्वा दोनों को जन्नत में दाखिल करा दूंगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया ये दुआ पढ़ लो, मेरा वादा है इसी दुनिया में वो वक्त भी आएगा मैं तुम्हारी और तुम्हारी बीवी दोनों की मुलाकात करा दूंगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया यही दुआ पढ़ लो, यही दुआ पढ़ लो, मैं तुम्हारे सर पर नबूवत का ताज यानी तुम्हें अपना नबी बना लूंगा। एक दुआ पर कितने फायदे आप सोचते जाओ, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाती ये दुआ पढ़ लो पढ़ लो, जो गलती हुई है बोलो माफ, तुम मियां बीवी अलग हो गए हो दोनों से मुलाकात, और जो जन्नत से हटाए गए हो वो जन्नत में वापस पहुंचा दूंगा, और ये सब करने के बाद मेरे आदम मैं तुम्हें अपना नबी बना लूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। वो दुआ कौन सी होगी मालूम है? वो दुआ जो अल्लाह ने हजरत आदम को दी कुरान में भी आई। बोलो सुभान अल्लाह। और जब कुरान में ये दुआ आई तो बोलो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, कितने प्यार से फरमाया, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ देने वाला कौन? बोलते जाओ हदीस का मफहूम, ये दुआ देने वाला कौन? अल्लाह। पढ़ने वाले कौन? हजरत आदम। और यही दुआ उतरने वाली मुस्तफा पर कुरान में। और हमारे नबी ने फरमाया अगर इस दुआ की वजह से हजरत आदम की गलती माफ हो गई मेरा उम्मती पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ कर देगा। हजरत आदम के लिए जन्नत का वादा हो गया मेरा उम्मती पढ़ेगा उसके लिए भी जन्नत का वादा हो जाएगा। हजरत आदम दुआ पढ़ी मियां बीवी की मुलाकात हो गई हमारे नबी ने फरमाया ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह घर में मोहब्बतें आता फरमाएगा। और हजरत आदम ने ये दुआ पढ़ी अल्लाह ने नबी बना लिया। हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह उसको भी इज्जत और एहतराम और बहुत ही ज्यादा लोगों में वाहवाही अता करेगा। तो दुआ बहुत प्यारी है, पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि हजरत आदम ने पढ़ी तो इतना सब काम हो गया। हमारे नबी कहते तू भी पढ़ ले तेरा भी काम हो जाएगा। बोलो सुबह कौन कौन पढ़ेगा मेरे साथ में वो दुआ? ये दुआ आठवें पारे में है। बोलो कौन से पारे में है? आठवें पारे में। पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, कौन सी दुआ जो अल्लाह ने दी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी फिर हमारे कुरान में आ गई। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। मेरे नानन पेड़ा वालों तर्जुमा समझ में आए तो आंखों में आंसू आ जाए। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे आदम कह दो, हम भी बोलो कहेंगे इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे? रब्बना ज़लमना अनफुसना। क्या तर्जुमा? अल्लाह हम गुनहगार बोलो बेशक, अल्लाह हम पापी बोलो बेशक, अल्लाह हम मुजरिम बोलो बेशक, अल्लाह तेरी ज़मीन को गुनाहों से भरने वाले गम बोलो बेशक। लेकिन अल्लाह फरमाते इतना कहते वो इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अल्लाह अगर आज तू मुझे माफ़ नहीं करेगा, आज तू मुझ पर रहम नहीं करेगा, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, हमसे बढ़कर नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा। यानी अल्लाह तू माफ़ नहीं करेगा, रहम नहीं करेगा, हम जहन्नमी बनेंगे, और एक बार तू माफ कर देगा रहम कर देगा अल्लाह इसी वक्त हमारे जन्नत का फैसला हो जाएगा। तो पढ़ेंगे बोलो ये दुआ पढ़ेंगे ना सब लोग? आठवें पारे में ये दुआ है, एक बार फिर पढ़ लो ना, जिसका मतलब यही पहले इकरार अल्लाह मैं गुनहगार, बोलो ना बेशक अल्लाह मैं मुजरिम। बल्कि ये सोचना चाहिए अल्लाह जितने बैठे मेरे को किसी के बारे में नहीं मालूम लेकिन अपने बारे में मालूम है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ अल्लाह, आज तू माफ़ कर देगा रहम करेगा मेरा बेड़ा पार, मैं जन्नत में चला जाऊँगा। और तूने अगर धुतकार दिया तो तेरे धुतकारने के बाद कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। पढ़ो ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आदम ये
दुआ पढ़ लो, मैं तुम्हारी गलती माफ करूंगा। अल्लाह फरमाते मियां बीवी की मुलाकात करवा दूंगा, अल्लाह फरमाते जन्नत में पहुंचा दूंगा, अल्लाह फरमाते तुम्हें नबी बना लूंगा। हमारे नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक आने वाले मेरे उम्मतियों, ये तो कुरान में दुआ आ गई, अब ये दुआ पढ़ते जाओगे, जो अल्लाह आदम को माफ कर सकता वो मेरी उम्मत आखिरी नबी के उम्मती को क्यों माफ नहीं कर सकता। अल्लाह जान में भी बरकत देगा, बोलो आमीन। अल्लाह माल में भी बरकत देगा, आमीन। अल्लाह आबरू में भी बरकत देगा, आमीन। अल्लाह घर में मोहब्बत भी देगा, आमीन। मगर ये दुआ पढ़ते जाओ, दिल की गहराई से पढ़ते जाओ। सारी दुनिया गलत हो सकती है, मगर हमारा कुरान का एक हर्फ भी गलत नहीं हो सकता। मेरे प्यारो ये दुआ का आना, बोलो ये दुआ का आना, मेरे प्यारो उलमा कहते हैं ये दुआ आई है वो मुहर्रम का महीना, यानी हजरत आदम की तौबा कबूल होती, बोलो कौन सा महीना। आवाज से बोलोगे मुहर्रम। हजरत आदम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना। मुहर्रम। हजरत आदम और हव्वा के जन्नत में जाने का वादा पक्का हो गया, बोलो कौन सा महीना। हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात का वादा पक्का हो गया, बोलो कौन सा महीना। हजरत आदम को नबूवत मिल गई, बोलो कौन सा महीना। मुहर्रम। तो ये मुहर्रम का पहला वाकया मैंने आपको सुनाया, जिसमें हमको एक दुआ भी मिल गई, और दुआ पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह नानंद पेड़ा में आइंदा मेरी आपकी मुलाकात होवे ना होवे, लेकिन ये दुआ की बरकत से जन्नत में ज़रूर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। और यकीन बना लो, ये पूरा जो आपने हजरत आदम का वाक्या पढ़ा, कैसे जन्नत फिर ज़मीन फिर जन्नत का वादा फिर नबी, ये सब करने धरने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई करने धरने वाला, इसलिए मेरे प्यारों पहले यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। ये अल्लाह है जो आंखें दिया दिया नहीं देता, नहीं देता, क्या कर लेते, अंधा होता। ये अल्लाह, ये होठ होठ दिया होठ नहीं देता, क्या कर लेते। अल्लाह ने जबान दी बोलने की, वरना गूंगा होता। इसीलिए अल्लाह कहते हैं आईने में चेहरा देख, वहां भी तुझे खुदा नजर आएगा। आईने आईने में अपना पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अलम नजअल लहु आइनैन वलिसानौ वशफतैन वगदैनाहु नजदैन। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तेरी दो आंखों को देख ले, तेरी जबान को देख ले, तेरे होठ को देख ले, अरे अपना चेहरा आईने में देख ले, तुझे अल्लाह वहां भी नजर आएगा। मेरे प्यारो पूरा मजमा बोले न करने धरने वाला कौन? एक वाक्या मैंने आपको सुनाया, दूसरा सुनाऊं? हाँ या ना? नहीं, टेंशन तो नहीं ना आप लोगों को? काशिफ तेरे को भी नहीं ना? ये मेरे को लेके आया, बहुत मोहब्बत करने वाला बच्चा है। अल्लाह हम सबको ईमान पर जमने की तौफीक अता फरमाए। ये दूसरा जो वाक्या मैं इसलिए सुना रहा हूं कि अभी दसवीं मुहर्रम आ रही है, आ रही ना दसवीं मुहर्रम, हाँ उसके लिए यह वाक्या बहुत ज़रूरी। आपने एक नबी का नाम सुना होगा, हजरत मूसा। यहाँ बहुत मुश्किल है बयान करना, तो हाँ तो बोले ये लोग, ऐसा लगता सबका निकाह कब सबका शादी कबूल करवाता मैं यहाँ बैठे बैठे हैं करके मुँह लटका के बैठे हो। सुना है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम? हाँ बोलो हाँ। कहाँ जाते थे? पहाड़ पर। किससे बात करते थे? अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु मिन जानिब तूरिल अयमन वक़र्रबनाहु नजिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर हजरत मूसा की शान को तो देखो, ये पहाड़ पर जाते हैं और किससे बात करते हैं? एक दिन हजरत मूसा गए पहाड़ पर, अल्लाह ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? हजरत मूसा रो रहे थे, रो क्यों रहे? कहा अल्लाह वो जो बादशाह है ना, कौन, बहुत बहुत जुल्म करता है, हमारे मर्दों को कत्ल कर देता है, माँ बहनों की इज्जतों पे हमला करता है, और छोटे छोटे बच्चों को माँ के सामने ज़बह कर देता है। अल्लाह अब थक गए, अल्लाह अल्लाह थक गए। और बताओ फिरौन ऐसा करता था कि नहीं करता था? अरे बोलो ना, करता था कि नहीं करता था? अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युदब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। अल्लाह
फरमाते हाँ ऐसा करता था। यानी जमीन पे जुल्म फसाद, मर्दों को कत्ल, औरतों माँ बहनों की इज्जतों पर हमला, अल्लाह हमारे हिंदुस्तान में भी इससे हिफाजत फरमाए। और छोटे छोटे बच्चों को माँ के सामने ज़बा कर देना। तो हज़रत मूसा बहुत रोए, अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे पैगंबर रो मत, पहाड़ से नीचे उतरो, तुम्हारी पूरी कौम को जमा करो और रातों रात यहाँ से निकल जाओ, पूरी कौम को जाओ। अब पूरी कौम का मतलब 1 लाख, पूरी कौम कितनी, पहाड़ से उतरो, 1 लाख को जमा करो और सबको बोलो सामान के साथ, कपड़े बर्तन जेवरात सवारी जो भी सामान है सबके साथ, रातों रात 1 लाख को लेकर मूसा निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। काम बहुत मुश्किल था, बोलो काम कितनों को जमा करने का, 1 लाख को जमा, और फिर पूरे सामान के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, बर्तन के साथ, कपड़े के साथ, जेवरात के साथ, अनाज के साथ, बहुत मुश्किल काम था। यहाँ 3 दिन की जमात निकालना मुश्किल हो जाता, वहाँ 1 लाख। तो हज़रत मूसा ने पहाड़ पर कहा, अल्लाह बहुत मुश्किल है, 1 लाख थोड़ी मेरी आवाज़ पर जमा होंगे। अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर आवाज़ तुम्हारी होगी, जमा करना मेरा काम होगा। बोलो सुभान अल्लाह, एक एक सुनते जाना। हज़रत मूसा आए और पूरी कौम को जमा किया, और अल्लाह की कसम हज़रत मूसा कहते सब जमा हो गए, मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, बच्चियां भी, सवारी भी, कपड़े भी, बर्तन भी, जेवरात भी। और हज़रत मूसा कहते मैंने एक तकरीर की कि आज रात और रात अल्लाह के हुक्म से हमको जाना है। अब जाहिर बात है 1 लाख को जाना, तो एक गली में तो आएंगे नहीं, कोई उस गली से जाएगा। आदम मूसा ने कहा तुम उस गली से जाओगे, ये जमात वो गली से जाएगी, वो जमात वो गली। तो किसी ने उठकर कहा, फिरौन की पुलिस रात को खड़ी रहती है, कोने कोने में खड़ी रहती है, वो पकड़ेंगे तो क्या कहेंगे। हज़रत मूसा ने अब जवाब दिया, जाना तुम्हारा काम होगा, उनको अंधा बनाना अल्लाह का काम होगा। अब जो चले रात के अंधेरे में धूमधाम से चले, 1 लाख चले जा रहे। एक मैदान जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हम सब जमा हो जाएंगे, लंबा चौड़ा मैदान था, वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँच गए और 1 लाख भी पहुँच गए, इनके जानवर भी पहुँच गए, इनकी सवारियाँ भी पहुँच गई, मर्द औरतें बच्चे बच्चियाँ सब पहुँच गए, काफ़ी दूर निकल गए। मालूम है मैदान में तो सब जमा हो गए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए राइट में जाने का कि लेफ्ट में जाने का, मैदान तो ख़त्म हो गया, अब यहाँ जाओ या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं भूल गया हूँ, लेकिन चलो यहाँ से चलो, सब लोग चलो, एक राइट में चले। और ये पूरा मजमा चला, थोड़ी देर चले होंगे, सामने समंदर आ गया। बोलो सामने समंदर यानी दरिया। अब दरिया थपेड़े मारता हुआ दरिया, मौजे मारता हुआ दरिया, क्या करेंगे, और कितने थे हज़रत मूसा और सब दिया। तो सब ने कहा मूसा क्या वहाँ स्विमिंग क्या करने का, सामने समंदर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं पहले ही मेरे को लगा था, जरा रास्ता भटक गए, यू टर्न ले लो, यू टर्न। अब कोई तेरी गाड़ी थोड़ी थी कि यू टर्न मार दिया भाई, 1 लाख है। सबने कहा यू टर्न का मतलब अब सब वापस मुड़ेंगे। अभी तो मुड़ने का इरादा किया कि पीछे गुबार उड़ रहा है, धुआं उड़ रहा है, घोड़ों के टापों की ठार 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 आवाज आ रही, सब पीछे मुड़े, देखा फिरौन आ रहा है, फिरौन और उसका पूरा लश्कर आ रहा है। इसका सीधा मतलब है आगे जाओ तो भी मौत है, पीछे जाओ तो भी मौत है, क्योंकि आगे जाओ तो समंदर, पीछे जाओ तो फिरौन का लश्कर, आगे जाए तो समंदर बहा देगा, पीछे जाए तो फिरौन तो बोटी बोटी कर देगा, मालूम नहीं क्या हाल कर देगा, क्या औरतों के साथ मामला होगा। सब के सब कहने लगे पैगंबर मूसा लाने की जरूरत क्या थी, हम अपने थे ना घर में आराम से थे, यहाँ लाने की जरूरत क्या थी। हज़रत मूसा की आंखों में हंसू थे, अल्लाह क्या करूँ, अल्लाह पीछे फिरौन आ रहा है, आगे समंदर। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा, अरे बोलो डंडा, असा अरबी में क्या कहते हैं, असा, अब लकड़ी होगी, डंडा होगा, जो भी होगा। अल्लाह ने फरमाया मारो समंदर पे मारो। मूसा अलैहिस्सलाम तो वैसे ही रो रहे थे, कहा अल्लाह ये डंडा समंदर पे मारूंगा तो ठप करके आवाज आएगी और पानी उड़ेगा। आपने बच्चों को देखा होगा पानी में लकड़ी मारते तो ठप करके आवाज आती, पानी उड़ता। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा समंदर पे डंडा मारना तुम्हारा काम होगा, रास्ता बनाना मेरा काम होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे वो असा जो डंडा था समंदर पर मारा, अल्लाह ने समंदर के पानी को खड़ा कर दिया, पानी खड़ा हो गया, यानी दीवार किसकी,
आपने दीवारें हाँ मार्बल की देखी होगी, सीमेंट की देखी, ईंट की देखी, पत्थर की देखी, अल्लाह की कसम अल्लाह ने पानी की दीवार बना, और एक नहीं एक दीवार इधर, दूसरी दीवार उधर, तीसरी इधर, और अल्लाह ने फरमा मूसा भले 1,00,000 है लेकिन 1,12,000 खानदान में तकसीम होते हैं। अल्लाह ने फरमा मैंने 12 दीवारें खड़ी की है, 2 दीवार के बीच में से हर खानदान वाले को कहो कि चले जाए और जितना जल्द होवे जाना शुरू करे और सब अपने आप को समंदर में डाले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हमारी पूरी जमात हम सब के सब समंदर के पार हो गए, हमारे पाँव के नीचे तो पानी था, पाँव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था क्योंकि पानी तो खड़ा हो गया था। बल्कि हज़रत मूसा फरमाती वो जल्दी जल्दी चलने में किसी का बर्तन इधर हो गया तो हैरान हो गया, कहा पैगंबर मेरा बर्तन, का फिक्र मत करो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आ जाएगा, जैसे तुम किनारे जाओगे तुम्हारा सारा सामान भी किनारे आ जाएगा। बोलो सुहा ऐसा आप लोग किनारे पहुंच गए, किनारे पहुंच गए, इतना खुश इतना खुश, अल्लाह ने रास्ते बना दिए, पाँव के नीचे पानी, बोलो पाँव के ऊपर पानी नहीं, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह फरमाते मेरे मूसा ये लकड़ी तुमने मारी है समंदर में रास्ते बना दिए। मेरे प्यारो बोलो ना हजरत मूसा पूरी कौम के साथ समंदर के पीछे कौन आ रहा था? फिरौन ने दूर से देखा रास्ते बन गए, पानी की दीवार, क्या कहा मालूम, देखो ये मेरी वजह से हुआ है, मैं ये मैं बहुत खतरनाक है। जो वो सब दरबारी ने समझाया फिरौन सुधर जा, वो हजरत मूसा गए उनकी वजह से हुआ, तुम लोग को नहीं मालूम मेरी वजह से ही हुआ है, चलो अपने घोड़े लो आगे, घोड़े लो हम भी घोड़ों को डालेंगे पानी में। सबने बहुत मना किया लेकिन वो एक ही बात कही, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग होते आएंगे अपने मौलाना आपके पास आएंगे और आकर कहेंगे अरे इतना झगड़ा नानन पेड़ा में होने वाला था, अरे मालूम नहीं क्या होता, तो बेचारे मौलाना पूछेंगे तो क्यों नहीं हुआ, हूँ तो ना मैं था ना, फिर झगड़ा कैसा हुआ, हालांकि कमबख्त लड़ाने वाला ये खुद ही होगा, लड़ाने वाला खुद ही होगा, ऐसे होते तो फिरौन ने भी बस एक ऐलान कर दिया आपने घोड़े डालो ये सब मेरी वजह से हुआ। जैसे फिरौन ने अपने घोड़ा डाला और सारे उनके दरबारियों ने घोड़े डाले और घोड़े दौड़ना शुरू किए, बिल्कुल समंदर के बीच में आए, अल्लाह ने पानी को कहा वापस आ जाओ, दीवारें गिर जाओ, पानी की दीवारें गिरी और सब डूबने लगे, कोई इधर डूब रहा, कोई उधर बर्बाद, कोई उधर तबाह, ये फिरौन के यहाँ तक पानी आ गया। जब यहाँ पर पानी आया ना तो फिरौन कहता अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह वो मूसा है ना मैंने उनको नबी मान लिया, अल्लाह माफ़ कर देना। मेरे प्यारो बहुत डेंजर जवाब मिला, अल्लाह ने फरमाया थोड़ी देर पहले कहा होता अब तो मैंने तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया, अब मैंने तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुरान पाक में लिखा है 11वें पारे में बदन का बाल बाल खड़ा हो जाए। अल्लाह ने क्या जवाब दिया, आल वक़द असैत क़ब्ल वकुन्त मिनल मुफ़सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन ख़ल्फक आया। अल्लाह ने कहा बस बंद, अब नहीं, अब ईमान का दरवाज़ा तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया। और अल्लाह ने कहा तू इतना जालिम है, तेरी लाश न ज़मीन कबूल करेगी न आसमान कबूल करेगा। आज भी इजिप्ट में मिस्र के म्यूज़ियम में मालूम नहीं उसके ऊपर क्या अल्लाह का कहर और आज़ाब टूटता होगा, लेकिन आज भी उसकी लाश ज़मीन में दफनाने जाओ तो बाहर ज़मीन फेंकती है, आसमान की तरफ डालो तो आसमान ज़मीन पर पटक देता है। अल्लाह ने फरमाया अब तेरी लाश को मैं कबूल करने वाला नहीं, जो फैसला होगा वो क़यामत के दिन फैसला होगा, वहाँ तक आज़ाब ही आज़ाब होता रहेगा। और ये आज़ाब इतना ख़तरनाक है जिसको अल्लाह ने फरमाया النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب। अल्लाह ने कहा सुबह होगी शाम होगी जहन्नम की आग आके तेरे बदन को तपाती रहेगी गर्म करती रहेगी। खैर मेरे प्यारो
फिरौन बोलो मर गया, हजरत मूसा जीत गए। मेरे प्यारो वो दिन दसवीं मुहर्रम का दिन था, बोलो सुभान अल्लाह। बोलो कौन सा दिन था? अब इसका बैकग्राउंड में आपको बताऊं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, बोलो थे ना मक्के में, फिर कहाँ पर आए? पूरा मजमा बोले कहाँ आए? आवाज़ नहीं आ रही, साथ में बोलो ना, कहाँ आए? मदीना। मदीना हमारे नबी आए, क्या शान थी, बोलो सुभान अल्लाह। मदीने वाले इंतज़ार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाँ, आज भी आप लोग और हम लोग उमरे में जावे, बोलो आमीन, हज में जावे, वो एक गेट आता है, वेलकम टू मदीना, अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम लिखा हुआ है, बस वही गेट निशानी है जहाँ सारे मर्द खड़े, सारे मर्द इंतज़ार कर रहे और सब ने अपनी बच्चियों को पहाड़ पर खड़ा रखा है, सारी बच्चियाँ नाते पाक पढ़ रही और हमारे नबी दाखिल हो रहे, बोलो सुभान अल्लाह। सारी बच्चियाँ क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, याद होगी ना हमारे नानन पेड़ा वालों को, नात पाक जो बच्चियाँ पढ़ रही है, छः साल की, पाँच साल की, और हमारे नबी मदीना में एंटर हो रहे, वो याद है कि ये खान लोगों के डायलॉग याद है? फैसला हो जावे ना, क्या काम मोहब्बत है, हाँ? बच्चियाँ नाते पाक पढ़ रही, क्या नाते पाक पढ़ी है, और हमारे नबी का दाखिल होना मदीना मुनव्वरा में, क्या पढ़ा बच्चियों ने, क्या पढ़ा? तलाल बदर अलैना। अब मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, कहाँ पढ़ने वाले, याद हुए तो पढ़ेंगे ना आप लोग, उलमा को नहीं कह रहा हूँ, बाकी को कह रहा हूँ, क्या क्या पढ़ा बच्चियों ने? तलाल बदर अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। यानी वो बच्चिया ये कहती है कि मोहम्मद आ गए नहीं, पैगंबर आ गए नहीं, रसूल आ गए नहीं, नबी आ गए नहीं, क्या कह रही है? अंधेरा था, चौदहवीं रात के चांद आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। कहते चौदहवीं रात के रात चांद आ गए और हमारे लिए जरूरी हो गया कि हम इनका इस्तकबाल करें। खैर हमारे नबी आए मदीना में बस गए, बोलो हमारे नबी मदीना मुनव्वरा में बस गए। अब दसवीं मुहर्रम आई तो हमारे नबी ने देखा सब यहूदी रोज़ा रख रहे, तो हमारे नबी ने पूछा काय को ये रोज़ा काय का रखते? कहते दसवीं मुहर्रम, इसी दिन तो फिरौन पापी मर गया और हमारे नबी हजरत मूसा जीत गए, फिरौन पापी मर गया, हमारे नबी हजरत मूसा जीत गए, उस खुशी में हम रोज़ा रखते हैं। तो हमारे नबी का जवाब सुनना, नहनु अवला व अहक, हमारे नबी ने फरमाया अगर तुम हजरत मूसा से मोहब्बत करते हो उससे ज़्यादा तो हम पैगंबर मूसा से मोहब्बत करते, हमारा तो कलमा है, हम हर 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 पैगंबर से मोहब्बत करते। पढ़ो ना, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलि व रुसुलि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरि وَشَرِّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ। आपने बचपन में ये पढ़ा होगा मदरसे के अंदर, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि, हम तो सारे व रुसुलिहि सारे पैगंबरों पर ईमान है, हजरत मूसा पर भी हमारा ईमान है। तो अगर तुम दसवीं मुहर्रम का रोजा रखते हो खुशी में कि हजरत मूसा कामयाब हो गए, हम तो बहुत मोहब्बत करते हैं, हम भी रोजा रखेंगे। हमारे नबी ने सबको कहा मदीने में ऐलान कर दो दसवीं मुहर्रम का रोजा मुसलमान भी रखेंगे, क्योंकि हजरत मूसा कामयाब हो गए, फिरौन पापी मर गया, सारे लोग रोजा रखेंगे, सारे लोग रोजा कौन सा? फिर हमारे नबी ने फरमाया ये भी दसवीं, हम भी दसवीं, यहूद के साथ मुशाबहत नहीं, इसलिए हम थोड़ा चेंज करेंगे। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा चेंज कर दो, क्या चेंज कर दिया? वो एक रखते हम दो रखेंगे, बोलो वो एक रोज़ा रखते हम दो रखेंगे, नौवीं दसवीं या तो ये आने वाला जुमा और शनिचर, अभी जो जुमा आएगा ना वो नौवीं और शनिचर दसवीं, या शनिचर और इतवार दसवीं और ग्यारह रखेंगे, रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो ना, रखेंगे इंशाअल्लाह। और ये रोजे क्या, रोजे का कमाल क्या है, ये रोजे का कमाल क्या है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया सबसे नंबर वन का रोजा कौन सा, हमारे नबी ने फरमाया रमजान का रोजा, क्योंकि वो फर्ज है। नंबर वन बोलो रोजा कौन सा, साथ में बोलो ना, अल्लाह ने फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. सबसे नंबर वन बोलो रोजा कौन सा? साहबा ने पूछा इसके बाद कौन सा? हमारे नबी ने फरमाया मुहर्रम का रोजा। तो इसका सवाब क्या है? हमारे नबी ने फरमाया कम से कम सवाब एक रोजे पर 30 रोजा, तो हम दो रोजे रखेंगे तो 60 रोजा, ने दो महीना रोजा रखने का सवाब। दो रोजे रखो दो महीने का सवाब, और ये तो कानून है। बाकी अल्लाह का फजल होगा तो अल्लाह सब गुनाहों को भी माफ कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? दो रोजा रखेंगे, बोलो रखेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन सा? अभी मैंने आपको दिन भी बता दिए, या तो आने वाला जुमा शनिचर, या तो शनिचर और इतवार, नौवीं दसवीं या दसवीं और ग्यारहवीं। तो मेरे प्यारो अब एक हकीकत सुन लो, अगर 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 बोलो ना, अगर हजरत मूसा जीत गए और फिरौन पापी मर गया, वो भी कौन सा महीना? मुहर्रम। तो ये मुहर्रम महीना बहुत प्यारा है। अभी मैं कहाँ तक आपको वाक्य बयान करूँगा, मेरे को असल पॉइंट पर आना है। आप सिर्फ उंगलियों पर गिनोगे गिनोगे, कुछ तो गिन लो गिन लो गिन लो, बोलो ना हाँ बोलो। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, नहीं तो बोलती क्यों नहीं आप लोग? नहीं नहीं बयान बंद करो, 25 तक तो नहीं ले जाऊंगा मैं, थोड़ा तो गिनवा दूं ताकि आपको मालूम हो जाए। कोई हमको पूछे कि भाई मुहर्रम महीने में क्या हुआ, साथ में बोलो ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, बोलो कौन सा महीना? सब सब खाली मुहर्रम बोलते जाओ, मुहर्रम। हजरत आदम और हव्वा की मुलाकात का वादा पक्का हो गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत आदम और हव्वा के जन्नत में जाने का वादा पक्का हो गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत आदम को अल्लाह ने नबी बना दिया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम बनी इसराइल के साथ पार हो गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और फिरौन पापी मर गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, उसका वजूद खत्म हो गया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक और नबी है जिनकी कश्ती किनारे लग गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आ गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आ गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन तक आग में रहे, अल्लाह ने आग को बाग बनाया और फिर बाहर आ गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत दाऊद की तौबा कबूल हो गई, बोलो मुहर्रम। हजरत अय्यूब की तौबा कबूल हो गई, बोलो मुहर्रम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह मिल गई, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत ईसा बगैर अब्बा के दुनिया में आए, बगैर अब्बा के दुनिया में आए हजरत ईसा, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और हजरत ईसा को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और मेरे प्यारों पहली मर्तबा आसमान से बारिश आई, कौन सा महीना? मुहर्रम। पहली मर्तबा आसमान पर सितारे जगमगाने लगे, ताबानी बताने लगे, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और मेरे प्यारो नबी के नवासे हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में शहीद हो गए, बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई और मदीने में नबी के करीब में दफन हो गए, बोलो कौन सा महीना? ऐसे तो बहुत से वाकयात होंगे, जितने याद थे मैं भूल गया, हाँ बाकी डिटेल में जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना बता दो मुहर्रम महीना बहुत चैन सुकून वाला महीना, आफियत वाला महीना, खुशियों का महीना, तौबा के कबूल होने का महीना। सब मांगेंगे ना अल्लाह से? अरे बोलो ना, मांगेंगे ना? अब तो ज़रा ज़ोर से बोलो ना हाँ। आप लोगों को कोई टेंशन हो तो मेरे को बोल दो कि देखो इसलिए मेरा खाना भी हो गया, और यहाँ के मोहम्मद भाई और बिलाल चचा या हमारे जकी भाई ना खाना खाए ना हमने, हाँ मेरे से ज़्यादा तो यहाँ के लोकल लोगों ने खाया। मैं देख रहा था नानन पेड़ा में ये भी हमारे साथ आया हुआ, सबका वसूल कर गया आज माशाल्लाह। आपको इन लोगों को कोई टेंशन तो नहीं ना बीवी का? वो मालूम है ना हाजी अनवर तेरे ऊपर बहुत गुस्सा मेरे को, इसने हवा में मेरे को रुका दिया,
और चाय आई, चाय के बाद इसने जो भजिए खिलाए, अल्लाह इनकी अहलिया को जजाय खैर अता फरमावे, कभी मेथी के भजिए आ गए, कभी आलू के आ गए, कभी प्याज के आ गए, कभी मिर्ची के आ गए, और सब थोड़ी थोड़ी देर में आ गया, फिर समोसे आ गए। मैंने कहा अल्लाह का बंदा पहले बोला होता तो भूखा पेट लेकर आता ना। एक तो वैसे भी हमारा पेट इतना निकला, मेरे को किसी ने कहा मौलाना डाइटिंग कर थोड़ा पेट अंदर जा, मैंने कहा काय की डाइटिंग, मुर्गी का कब्रस्तान है और हाजी अनवर ने आज इसको पकोड़े का कब्रस्तान बना दिया। पहले कहा होता हाजी अनवर तू अहवा बयान काय को नहीं रखता, नहीं नहीं आज मेरा पकोड़े का बैटिंग तो नहीं देखा ना। ये बीवी का बड़ा प्रॉब्लम है काशिफ, तू ही एक मर्द दत्ता है इसमें मालूम है। मोहना एक बहुत करोड़पति आदमी, शादी किया, क्या किया बोलो ना, तुम्हारी क्या करवा रहा हूं, वो किया जिसने किया, करोड़पति आदमी था, अब्बाजोपति आदमी था, क्या किया, शादी किया। अब शादी किया, जाहिर बात है शादी के बाद जब बीवी आती है और दो तीन दिन होते हैं ऐसा लगता जन्नत में से हूर टपक के आई है, वो तो साल के बाद ही पता चलता कि कहाँ पहुँच गया मैं। तो वो शादी हो गई उसकी, अब क्या क्या मालूम, तीन चार दिन के बाद अपना कबाट खोला, अब कबाट में इतने बड़ी बड़ी फाइल डॉक्यूमेंट्स, हाँ क्योंकि वो करोड़पति अब्बाजोपति आदमी था, सब निकाला, सबकी दूरी खोला, और दूरी खोलने के बाद बोला देख ये नानन पेड़ा की ज़मीन अपनी है, फिर कहा ये आहवा आहवा वो ज़मीन भी अपनी है, वाजदा वहाँ भी ज़मीन अपनी है, अरे वहाँ अहमदाबाद चला जा वहाँ भी ज़मीन अपनी है, वहाँ अपना खेत है, वहाँ अपना बाग है, इतनी एक 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 वो खोलता जावे खोलता जावे। तो उसके बाद मैं सब बीवी को कहा देखो अपने पास इतनी प्रॉपर्टी इतनी जायदाद इतना अपने पास बैंक बैलेंस सब है करके सब पे दोरी लगाया, फिर अलमारी में उसको रखा, अलमारी को लॉक कर दिया, और फिर बीवी को बोलता आई लव यू आई लव यू। बीवी को बोला कोई गुनाह तो नहीं किया ना, मैंने तो हदीस से साबित किया अगर कोई प्यार मोहब्बत से बीवी को आई लव यू बोले, ये नीयत से बोले कि मेरे नबी भी अपनी बीवियों को कहते थे आई लव यू, बोलता जाएगा 100-100 शहीदों का सवाब मिलता जाएगा। लेकिन किसको बोलने का, वो मैसेज में नहीं आई मिस यू ने आई लव यू नहीं, वो नहीं, बीवी को बोलने का। अच्छा बात समझना, हाँ ये करोड़पति आदमी था, सब रख दिया अलमारी में सब लॉक किया, और बीवी बीवी को बोलता आई लव यू, तो फिर बीवी को क्या बोलता मालूम, क्योंकि नई नई बीवी थी ना, कहता मेरी बीवी तेरा नाम मेरी आंखों में लिखूं कि तेरा नाम मेरे दिल में लिखूं, भाई मोहब्बत में आ गया, तेरा नाम मेरी आंखों में लिखूं कि तेरा नाम मेरे दिल में लिखूं। वो नानन पेड़ा की थी, कहा आंख में भी मत लिख ने दिल में भी मत लिख, वो प्रॉपर्टी के कागज पे मेरा नाम लिख ले, जितने कागज बताए ना उसमें मेरा भी नाम लिख ले। सखी सही है कि नहीं, आज यही हाल है, तू भी कहा नंदुरबार में यहाँ आके बैठ गया, बीवी की मोहब्बत में नंदुरबार छोड़ के, हाँ दुनिया दुनिया क्या करती है, हम औरतों को देते हैं, यहाँ मर्द को हमने ले लिया है, क्या नानन पेड़ा का पानी है भाई, क्या नानन पेड़ा का पानी, मेरे को भी यहाँ डर लगता कब जाऊँ यहाँ से भाई। इज्जत रख दिया तूने नानन पेड़ा की सखी, आप लोग सोचते होंगे मौना हंसा था काय कोई, जकी तेरे नाम से हंसा रहा हूँ, हंसा नहीं रहा हूँ, तवा गरम कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो पॉइंट पे आ रहा हूँ ना बहुत अजब पॉइंट है मेरे प्यारो, कसम अल्लाह की मैं कहूँगा मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए सुनना आसान है, मगर नबी के नवासे पर क्या गुजरी होगी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे दोस्तों हमारी भी औलाद है, मेरा भी बेटा है, मेरी बेटी भी है, आपका भी बेटा और बेटी होगी, और एक बात याद रखना, लिख लेना सोने के हरूफ से, बाप जितना बेटे से मोहब्बत करता है बेटा उतना बाप से मोहब्बत नहीं करता। और आपको मिसाल देखना हो तो देख लो, बाप 80 साल का हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे, देखना बराबर देखना, बेटा हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, कोई मेहमान आया, केम छे पप्पा केम छे, यानी अब्बा कैसे, क्या जवाब होगा मालूम, बहुत खराब हालत में, डॉक्टरों ने मना कर दिया, बस दुआ करो अल्लाह आसानी से सब मामला कर ले। ये कौन जवाब दे रहा है बेटा, और थोड़ी देर के लिए सोचो अगर जवान बेटे का एक्सीडेंट हुआ वो वेंटिलेटर पर है, बूढ़ा बाप बाहर खड़ा है, और कोई मेहमान आता है आकर पूछता है तुम्हारा बेटा कैसा है, बाप रोते रोते कहता है जवान है मेरा बेटा, दुआ करो अल्लाह उसको बचा ले वे मुझे उठा दे। बाप वो होता है जो बेटे के लिए जान देता है, और बेटा वो होता है जो बाप के जाने की सोचता है। मेरे प्यारो आप थोड़ी देर के लिए सोचो, वो करबला का मैदान, जुमा का दिन,
दसवीं मुहर्रम। बोलो करबला का जुमा का दिन दसवीं मुहर्रम। सामने 1,20,000 और कैसे खड़े मालूम, 40,000 उधर, 40,000 बीच में, 40,000 उधर, कितने हो गए। और हजरत हुसैन नबी के नवासे सब मिला के 150, जिसमें औरतें भी हैं बच्चे भी हैं। और होता क्या है मालूम, जुमा का दिन है, सामने से आवाज़ आती भेजो आपका एक आदमी भेजो, हजरत हुसैन किसी को भी भेजते हैं। अब एक और सामने, जाहिर बात है जो जाता वो शहीद हो जाता। मालूम है वो जुमा के दिन, मैं कहता हूँ मेरे अपने अंदाज से कहता हूँ, वो सुबह के 10-10:30 बजे का वक्त होगा, एक मेरा अंदाज है, अल्लाह बेहतर जाने। हजरत हुसैन ने क्या कहा फरमाया मालूम, मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाओ। अली अकबर 16-18 साल की उम्र, जवान, तैयार हो जाओ। मालूम है अली अकबर तैयार हो गए, जब घोड़े पर बैठे तो हजरत हुसैन ने कहा बेटा एक बार अब्बा के गले तो लग जाओ, क्योंकि अब तो मुलाकात नहीं होगी ना। गले लगे, अली अकबर बैठे और गए। मेरे प्यारों थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए और दोनों टुकड़े हजरत हुसैन के सामने ला के रख दिए गए। हजरत हुसैन ने दोनों टुकड़ों को जोड़ा, उस पर सफ़ेद कपड़ा कफन का रखा। अभी तो रखते थे कि अंदर से आवाज़ आई, खेमे में से आवाज़ आई, आपका छोटा बेटा अली असगर बहुत रो रहा है, क्योंकि पानी नहीं पिए हुए ज़माना हो गया है, वो बच्चे को पानी की ज़रूरत है। हजरत हुसैन अंदर गए, अपने छोटे बेटे अली असगर, बोलो क्या नाम, ऐसे गोद में लिया और गोद में लेके सीधे दुश्मनों के उसमें चले गए और कहा मेरे बेटे को पानी दे दो, मैं नहीं मांगता पानी, मैं नहीं मांगता, अब मेरे बच्चे के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है, दे दो ना मेरे बच्चे को पानी दे दो। सामने से तीर आता है और बच्चे के दिमाग पर लगता है, आर पार होता है, वहीं बच्चा दम तोड़ देता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत हुसैन बच्चे को लेकर आते, अली अकबर का जनाजा, अली असगर का जनाजा। फिर हजरत हुसैन, जोहर का वक्त हो गया, जुमा का दिन है, नमाज कौन सी होनी चाहिए, जुमा, लेकिन जुमा होने के लिए शहर होना, सिटी होना ज़रूरी है, वो तो मैदान था, करबला जंगल था। तो हजरत हुसैन ने ऐलान किया जोहर की नमाज होगी, सफ़े लगा लो। मेरे प्यारो अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, मैं भी बाप हूँ, 2 बेटे का जनाजा हो तो नमाज कैसे पढ़ाएगा आदमी। लेकिन हजरत हुसैन ने जोहर की नमाज पढ़ाई, मुसाफिर थे, कितनी रकात, 2 रकात। उसके बाद हजरत हुसैन दुआ के लिए हाथ उठाए, मालूम नहीं क्या मांगा होगा दुआ में। जब दुआ हो गई तो कहा वो खेमा है ना, यहाँ हजरत हुसैन के खेमे लगे, कहा वो खेमे में एक चादर है, वो चादर लेकर आओ। कोई गए और चादर, बहुत बड़ी चादर लेकर आए। हजरत हुसैन ने वो चादर को पूरा अपने बदन पर लपेट लिया और कहा तुम्हें मालूम नहीं होगा ये मेरी माँ फातिमा की चादर है, मेरी माँ ने किसी ज़माने में अपने हाथों से बनाया था, आज वो चादर को मैंने अपने बदन पर लपेट लिया है। फिर हजरत हुसैन ने फरमाया कि वो दूसरा खेमा, वहाँ तलवार है, वो लेकर आओ। तो अंदर से आवाज़ आई कि नहीं वो तलवार टूटी हुई है, कहा टूटी हुई तलवार लेकर आओ, मैं तलवार को नहीं देखता हूँ, वो मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली की तलवार है, बोलो सर। फिर हजरत हुसैन खुद उतरे और कहीं गए, सबने कहाँ जा रहे हो, कहा ठहरो, गए और काला इमामा, बड़ा सा काला इमामा लेकर आए और सबके सामने अपनी पेशानी पर रखा, आंखों पे रखा, गालों पे रखा। मालूम नहीं इमामे को लपेट लिया, बोसा दिया और कहा तुमको नहीं मालूम मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा, सच बताओ हजरत हुसैन की क्या शान होगी, इमामा देखो तो मुस्तफ़ा का है, तलवार देखो तो अली की है, बदन पे जो कपड़ा मुबारक है वो हजरत फातिमा का है। घोड़े पर बैठे, मालूम है घोड़े पर बैठे, आज हमारी भी बेटी है, हजरत हुसैन की 5 साल की बेटी या 6 साल की बेटी, नाम सकीना, बोलो नाम। बैठ गए हजरत हुसैन तो घोड़े पर, जैसे घोड़े को दौड़ाते आवाज़ आई अब्बू, मेरे अब्बा। हजरत हुसैन मुड़ कर देखे तो उनकी छोटी बेटी सकीना क्या कहती मालूम, अब्बा मत जाओ, अब्बा मत जाओ, मेरी मानो अब्बा, आप मेरे से बहुत मोहब्बत करते हो, मेरे 2 भाई तो शहीद हो गए, अब्बा मत जाओ, हम लोग यतीम हो जाएंगे। सकीना कहती मैं यतीम हो जाऊँ, मेरी माँ बेवा हो जाएगी, मत जाओ ना मेरे अब्बा।
सच बताओ अगर हमारी बेटी हमारे सामने बोले अब्बा क्या करेगा, वही काम हजरत हुसैन ने किया, घोड़े से उतर गए, अपनी बेटी को गोद में ले लिया, बेटी की पेशानी चूमे, बेटी को अपने सीने से चिमटा, सबको लगा कि मामला बदल गया, अब शायद हजरत हुसैन कहेंगे मामला खत्म करो, लेकिन हजरत हुसैन प्यार करते करते बेटी को खेमे में ले गए, अपनी बीवी के हाथ में दिया और कहा बेटी कोई भी बाप ऐसे वक्त में नहीं जाता, लेकिन करूं तो क्या करूं, एक तरफ तेरी मोहब्बत है, एक तरफ नाना जान की मोहब्बत है, एक तरफ तेरा मामला है, एक तरफ मेरे अल्लाह का मामला है। ये कहकर हजरत हुसैन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, घोड़े पर बैठे आंखों में आंसू थे और कहते थे बेटी ये मत समझना कि तेरा अब्बा तुझसे मोहब्बत नहीं करता, बेटी आगे भी कभी मत कहना कि मेरे अब्बा ने मुझे अकेला छोड़ा था, मैं तुमको अल्लाह के हवाले करता हूँ। ये कहकर हजरत हुसैन मैदान में गए। मेरे प्यारों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते क्या मुकाबला हुआ, आपकी पेशानी पर हमला, होठों पर हमला, सीने पर हमला। एक वक्त आता है हजरत हुसैन तलवार जमीन पे रखते हैं और हाथ ऊपर करते, सामने से आवाज आती हार गए हार गए। हजरत हुसैन ने फरमाया हारा नहीं हारा नहीं, नबी का नवासा हूँ, कद हाना वक्तुल असरी, असर का वक्त हो गया है, क्योंकि जोहर तो पढ़ा दी थी, अब कौन सी नमाज। और हजरत हुसैन का जुमला तो सुनो कितना प्यारा है, क्या फरमाते, असर का वक्त हो गया, नमाज नमाज, मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज। और हजरत हुसैन ने कहा मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो ना, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। मालूम है वहां सामने से क्या आवाज आती है, पढ़ लो हमको जरूरत नहीं है। तो ये आवाज तो नानन पेड़ा में भी आती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बैठे जिन्होंने फजर नहीं पढ़ी है, इनके अब्बा ने पढ़ी, इनके चचा ने पढ़ी, गांव के बड़े बुड्ढों ने फजर पढ़ी, जवानों ने नहीं पढ़ी। क्यों? जवानों ने कहा तुम पढ़ लो हमको ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग हजरत हुसैन की जमात में के सामने वाली जमात में, हमसे बड़ा नालायक और मर्दूत कौन होगा जो नबी के नवासे को छोड़कर सामने वाली जमात में जाता है। हाँ आप अब्बा बेचारा कहता है बेटे को पढ़ ले, तुम पढ़ लो ना मैं बाद में पढ़ूंगा, ये मैं बाद में पढ़ूंगा, ये हुसैन का ओपोजिशन में खड़ा होता है। कितना नालायक होगा जो नबी के नवासे के ऑपोजिट में खड़ा हो जाता। वहां भी ऐसा ही हुआ, हजरत हुसैन ने कहा नमाज पढ़ लो, कहा हमको जरूरत नहीं आप पढ़ लो। तो हजरत हुसैन ने क्या फरमाया, नबी के नवासे थे ना, कहा पानी दे दो ना, पूरा बदन खून से बह रहा है, पानी दे दो, मैं पीऊंगा नहीं, आप लोगों ने पीने से मना किया, मैं जख्म को धोऊंगा, वजू कर लूंगा, असर की नमाज पढ़ लूंगा, फिर हमारा मुकाबला शुरू हो जाएगा। सामने से आवाज आई पानी नहीं मिलेगा, बोलो पानी। हजरत हुसैन मुस्कुराए, कहा पानी मत दो, क्या तुम समझते हो कि तुम पानी नहीं दोगे तो मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। अरे मेरा अल्लाह कहता है पानी न मिले तो मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ना, मैं करबला की मिट्टी से तयम्मुम करके असर की नमाज पढ़ूंगा। बोलो सुभान। और अल्लाह ने फरमाया कि नहीं फरमाया, पानी नहीं मिले तो क्या करने का तयम, अल्लाह ने फरमाया फलम तजिदु मा फतयम्ममु सईदन तैयबा फमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। बस तयम्मुम का तरीका, हजरत हुसैन ने तयम्मुम की नियत की, ये करबला की मिट्टी पर दोनों हाथ रखे, चेहरे पर मल लिया, फिर करबला की मिट्टी पर हाथ रखा, यूं हाथों पर मल लिया, तयम्मुम हो गया, अल्लाह अकबर, कौन सी नमाज शुरू कर दी, किबले की तरफ रुक करके असर की नमाज। फिर उसके बाद रुकू में गए, अल्लाह अकबर, फिर कौमे में आए समी अल्लाह लिमन हमीदा, फिर पहले सजदे में गए। ए मेरे प्यारों, क्या हजरत हुसैन को नहीं मालूम था कि ये लोग नमाज में मारेंगे, मालूम था कि ये मारेंगे मेरे को नमाज में, मगर जान जाए तो परवाह नहीं, नमाज जाए वो गवारा भी नहीं। हजरत हुसैन सजदे में गए असर की पहली रकात का, बोलो कौन सा सजदा, असर की पहली रकात का पहला सजदा। एक दुश्मन सामने से आया, दो तलवार, हजरत हुसैन तो सजदे में, एक दुश्मन आया दो तलवार लेकर आया, हजरत हुसैन के दोनों बाजू पर इतना जोर से तलवार मारा, दोनों हाथ अलग हो गए और खून का फुवारा बहने लगा और आप ऐसे उलट गए, यानी आपका चेहरा आसमान की तरफ हो गया। दूसरा आता है, ऐ मेरे प्यारो, क्या नबी के नवासे पर गुजरी होगी। दूसरा आता लोहे की सलाखें लाकर आपके सीने पर मारता है। और तीसरा शमूर नाम का दुश्मन आता है, वो पूरा आपका चेहरा और आपका गर्दन तलवार से अलग करता है, तलवार के नोक पर
आपका पूरा चेहरा सर मुबारक रखता और जोर से कहता है, देखो हुसैन मेरे तलवार की नोक पर हम जीत गए, हुसैन हार गए। मालूम है हजरत हुसैन के खेमे में एक बच्चा बैठा था, उसने वहां से जोर से कहा, ए शमूर, ए दुश्मन, तुम जीते नहीं, हुसैन जीत गए। जिंदा थे तब भी चेहरा ऊपर था, शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर ही नजर आता है। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन अल्लाह को प्यारे हो गए, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन एक बात मैं आपको पूछूं, हजरत हुसैन जाते जाते क्या कह कर गए, क्या कह कर गए? नबी का नवासा जान दे सकता मगर नमाज को नहीं छोड़ सकता। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हजरत हुसैन के पास जितने सर्टिफिकेट थे, हमारे पास एक है, एक भी है? एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन को देखा, ओहो, हमारे नबी ने फरमाया, हुसैन तू तो जन्नत का फूल है। बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया, हुसैन तू जन्नत की खुशबू है। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे जवान जन्नत में चले जाएंगे, फिर ऐलान होगा अब जन्नत के अमीर आ रहे हैं, सारे जन्नती पीछे मुड़कर देखेंगे तो मेरे नवासे हसन और हुसैन आ रहे होंगे। और एक मर्तबा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम हजरत हुसैन रो रहे, बोलो हजरत हुसैन, तो हमारे नबी फजर की नमाज पढ़ के निकले, पढ़ा के निकले, हजरत हुसैन रो रहे, तो हमारे नबी घर में गए, समझ गए कि हुसैन को भूख लगी है। हमारे नबी ने अपनी जुबान मुबारक हजरत हुसैन के मुंह में रखी, हजरत हुसैन जुबान को चूसने लगे। बोलो सुभान अल्लाह। इतने में तो हजरत फातिमा आई, कहा मेरे अब्बा क्या कर रहे हो, मेरे अब्बा क्या कर रहे हो, इनको भूख लगी है, दूध भी नहीं पानी भी नहीं। हमारे नबी ने इशारा करके कहा, फातिमा ठहर जा, जन्नत के नहर का पानी आज मेरे हुसैन के पेट में जा रहा है। क्या शान होगी हजरत हुसैन की। मालूम एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हम सजदे में जाते ना वैसे हमारे नबी सजदे की तरफ गए, हजरत हुसैन बैठ गए, कहाँ पर बैठ गए, हमारे नबी की पीठ मुबारक पर। फिर इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, तो हजरत उमर ने कहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हुसैन नबी की पीठ पर, नबी की पीठ पर, अरे तुम तो बहुत अच्छी सवारी हो, तुम तो बहुत अच्छे सवार हो, तुम तो नबी की पीठ पर सवार हो गए। हमारे नबी ने फरमाया, उमर सिर्फ सवार की तारीफ मत कर, याद कर ये पहला और आखिरी मंजर है जहाँ सवारी मोहम्मद है और सवार हुसैन है। सवारी मोहम्मद है और सवार हुसैन है। और एक मर्तबा मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, हजरत हसन हुसैन आपकी दोनों उंगलियाँ पकड़े हुए थे, हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे जो चेहरा दिया है, अल्लाह ने मुझे जो जिस्म मुबारक दिया, आधा हिस्सा हसन को दे दिया, आधा हिस्सा हुसैन को दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, इतनी सर्टिफिकेट होने के बाद भी, और हजरत हुसैन के बारे में कोई मेरे को पूछे हजरत हुसैन कौन थे, मैं यही कहूँगा हजरत हुसैन वो थे जिनके बदन में अगर खाना और गिजा दौड़ती थी तो हजरत फातिमा का दूध मुबारक था, जिनके बदन में लहू मुबारक था शेर खुदा हजरत अली का था, जो जन्नत की खुशबू थे, जो जन्नत के फूल थे, जो जन्नत के जवानों के सरदार थे, और जिनके सर पर परवरिश का हाथ था वो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ था। इतना सब होने के बाद भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में आवाज़ बुलंद कह दिया, नबी का नवासा जान दे देगा मगर नमाज को कजा। तो हम इतने बेशरम काय को हो गए, हम तो कुत्ते से भी बदतर है। एक कुत्ता भी अपनी मालिक का ख्याल करता है, कुत्ते को दो सूखी रोटी का टुकड़ा डालो, कितने रोटी के टुकड़े, कुत्ता भोग भोग के तीसरे दिन आता है, क्यों? वो कहता है, मालिक 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 तेरे वफादारी का दो टुकड़े खाया। हम तो कुत्ते से बदतर है जो नबी के अब्बजो एहसान के टुकड़े के बाद ये बैठे फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। और इनको पूछो ना, आज की क्या बात करते, 15 दिन हो गए मैं नहीं पढ़ा, तो तेरे से बड़ा कमबख्त नालायक कौन होगा जो हजरत हुसैन के सामने वाली जमात में नजर आता है। आएंगे घरेलू हालात आवे, माल के हालात आवे, रोजी के हालात आवे, हमारा ताल्लुक किसके साथ होगा? अल्लाह के साथ। अल्लाह कहते सबर होगा
और नमाज होगी मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। और आज भी मेरे प्यारो हजरत हुसैन, बस आखिरी बात सुन लो, आज भी हजरत हुसैन है जिंदा है ना, पूरा मजमा बोलेगा हजरत हुसैन जिंदा है ना, आवाज़ नहीं आ रही हजरत हुसैन, जब सारे शहीद जिंदा होते तो क्या हजरत हुसैन जिंदा नहीं होंगे? कुरान ने फरमाया किसी शहीद को मुर्दा मत कहना, कुरान ने फरमाया किसी शहीद को, आवाज नहीं आ रही, किसी शहीद को इतने इतना जिंदा होता है, सुनो इतना जिंदा होता है कि सुबह होती शाम होती जन्नत का दस्तरखान उसकी कब्र में लाया जाता है। और ये मैं नहीं कहता, कुरान में, कुरान में मेरे साथ में पढ़ेंगे चौथा पारा, बोलो कौन सा पारा, चौथा पारा मेरे साथ में पढ़ो जो हाफिज़े कुरान है। खल्ला ने फरमाया वला तहसबन्नल लदीना कुतिलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरे रास्ते में इंतकाल कर जाए, शहीद हो जाए, उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है, सुबह हो शाम हो उसकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान होगा। ये अल्लाह ने बहुत पहले फरमाया, हजरत हुसैन ने मैदान करबला में वो साबित करके बताया। आज मैं भी आपसे कुर्बानी मांगने आया हूँ, दोगे मेरे को? क्योंकि देखो हम दो कुर्बानी से गुजरने वाले, एक तो कुर्बानी से गुजर गए हजरत इब्राहिम अपने बेटे के गले पे, वो अलग बात है कि अल्लाह ने जन्नत का जानवर भेज दिया, वरना हजरत इब्राहिम तो अपने बेटे के गले पे छुरी चलाने वाले थे। और बेटा भी कितना प्यारा, 7 साल के हजरत इस्माइल कितने प्यारे, अब्बा ने कहा तेरे गले पे छुरी चलाना अल्लाह का हुक्म है, तो 7 साल के बेटे हजरत इस्माइल ने फरमाया अगर अल्लाह का हुक्म है तो अब्बा छुरी चलाना तुम्हारा काम होगा, सब्र करना मेरा काम होगा। हुआ था कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया الصابرين, तो वहां कुर्बानी ज़िलहिज्जा में मुहर्रम में नबी के नवासे की कुर्बानी। मेरे प्यारों में आपसे इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं मांगता हूँ, सिर्फ 5 वक्त की नमाज की कुर्बानी मांगता हूँ, न जान न माल न दौलत न पैसा आपसे मांग रहा हूँ, न माल मांग रहा हूँ न जान मांग रहा हूँ, सिर्फ नानन पेड़ा वाले अल्लाह का वास्ता देकर एक भीख मांगने आया हूँ कि हजरत हुसैन की जमात में आ जाएंगे। बोलो आ जाएंगे आज से इंशा, सब जमातों को छोड़ेंगे हजरत हुसैन की जमात में आ जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी, हमारे नबी ने फरमाया हुसैन मेरे है, और हुसैन की माँ आहा, बोलो कौन हजरत है? फातिमा। हमारे नबी ने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया फातिमा तु बिदअतु मिन्नी, मन आदाहा फकद आदानी, व मन अराबहा फकद अराबनी, व मन अगदबहा फकद अगदबनी, व मन अगदबनी फकद अगदबल्लाह, औ कमा कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी ने फरमाया सुनो मेरी बेटी फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, जो फातिमा को सताएगा मुझे सताएगा, जो फातिमा को गुस्सा दिलाएगा मुझे गुस्सा दिलाएगा, अगर जमीन पर फातिमा नाराज होगी तो अर्श पर अल्लाह भी नाराज हो जाएगा। मेरे प्यारो उनके बेटे हुसैन के साथ में हमें रहना है ना इंशाअल्लाह, बोलो ना रहना है, तो कौन कौन तैयार है? एकदम पक्की बात, एक हाथ नीचे रखो, एकदम पक्की बात, आज की ईशा और मौत की शाम, बोलो आज की, हाँ क्योंकि अभी दुआ होगी, सब लोग मेरी मुलाकात करेंगे, हम आगे जाएंगे, आप लोग यहाँ ईशा की नमाज पढ़ेंगे, बोलो हम मुसाफिर हैं हम आगे बढ़ेंगे, आप लोग सब ईशा की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बोलो आज की ईशा, बोलो आज की मौत की नानन पेड़ा वालों, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर बताओ सब होगा मगर मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। और एक बात का पक्का वादा है, नमाजी बन जा अल्लाह ऑटोमेटिक वली बना देगा, बोलो अल्लाह क्या बना देगा? वली बना देगा। और अल्लाह हमारे घर में छप्पर फाड़ के रोज़ी अता करेगा। कब तक लोगों की मजदूरी करते रहेंगे? कब तक सेठों की गालियाँ खाते रहेंगे? कब तक मालिकों का सुनते रहेंगे? जो अल्लाह किसी और को मालिक बना सकता क्या वो मेरे को और आपको नहीं बना सकता? अल्लाह कहते बेशक मैं बनाऊँगा, लेकिन एक बार मेरी नमाजें शुरू कर दे, कुछ ज़माने के बाद देखना वो सेठ क्या, मैं तुझे पूरे नानन पेड़ा का सबसे बड़ा अमीर बना दूँगा। लेकिन शर्त है, क्या करना? कौन कौन तैयार है? बोलो कौन कौन तैयार है? पढ़ेंगे इंशा। और एक फैसला सुन लो, नमाजी जन्नती, अरे बोलो ना नमाजी, बुलंद आवाज से बोलो नमाजी,
कहा अल्लाह ने फरमाया वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइक फी जन्नतिन मुकरमून। अल्लाह फरमाते बड़े प्यारे प्यारे मेरे बंदे बंदियां पांचों नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह फरमाते नानन पेड़ा वाले सुनो मेरी माँ बहने बेटियां सब कान खोल कर सुने। हमारे नबी फरमाते अल्लाह फरमाते तू जमीन पर नमाजी बन जाएगा हम आसमान पर तुम्हें जन्नती बना देंगे। नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर कोई जन्नत नहीं। यहाँ नमाज होती जाएगी वहां जन्नतुल फिरदौस में दाखिला होता जाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा हमारे बेटे सुहेल का जो अनावल में रहते यही नानन पेड़ा के लिए मेरे को तैयार किए और बेचारे ने बहुत सुना भी गड़वी कसेली सुना क्योंकि दो दिन पहले मैंने कहा काय का नानन पेड़ा बारिश नहीं देख रहा कैसी हो रही है और मेरे जैसे बीमार को तो नानन पेड़ा तक ले जाएगा तो जवाब कितना अच्छा दिया सब जगह पानी जमता है यहाँ पानी उतरता है। कहा हम लोगों को डुबाते हम डूबते नहीं हैं। तो ये अल्लाह हमारे सुहेल को फिर सुहेल के दोस्त ये आ गए काशिफ हमारे साथ में अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। मेरे साथ में बेटे इमरान भी है मौलाना नौमान भी है अल्लाह तबारक व ताला बेटे अजहर भी है अल्लाह सबको अजहर रियूनियन वाले अल्लाह सबको कबूल फरमाए माशाल्लाह अल्लाह सबके जान माल में। लेकिन हाजी अनवर पकौड़े में काम नहीं चले कब आहवा बुलाते हो ये ऐसा लोगों के सामने ऐसा नहीं बोलने का ये तो मेमन वाला जवाब हो गया। तुम मेमन हो ओहो बहुत डेंजर भाई जितने मेमन हो बहुत डेंजर भाई बहुत डेंजर। नाराज तो नहीं ना मेमन लोग नाराज तो नहीं मालूम है एक मेमन के बारे में बोलूं घबराओ मत मैं भी मेमन हूँ काय को टेंशन ले देगा। लेकिन है मेमन यानी बहुत चालाक हाँ बहुत चालाक ना। एक मेमन दुआ मांगे तू मेमन तो नहीं ना वो एक मेमन दुआ मांगे रोज रात को तहज्जुद में क्या दुआ मांगे मालूम अल्लाह अल्लाह 10,000 रुपया दे दे कितना 10,000 रुपया दे दे अल्लाह दे देना 10,000 रुपया दे दे आसमान से फाड़ के 10,000 रुपया दे दे अल्लाह। लेकिन अल्लाह देखो बात का पक्का 10,000 मतलब 10,000 एक रुपया कम होएगा ज़्यादा होएगा मैं नहीं लूँगा एक रुपया कम होएगा तो भी नहीं ज़्यादा होएगा तो भी नहीं मेमन मानस है इसे पूरा 10,000 होगा। अब ऐसा तो कोई बोले फटके आने वाले रोज वो पड़ोस में एक ने सुना कि ये रोज 10,000 मांगता है और एक रुपया कम तो भी नहीं लूँगा एक रुपया ज़्यादा तो भी नहीं लूँगा। तो उसने क्या किया एक 10,000 में एक रुपया कम किया और एक बड़े उसमें कोथड़े में रखा और उसे घर में ऊपर से डाल दिया। ये तो ताज्जुद में था और धड़ करके गिरा कहा मेरे को मालूम था अल्लाह आप देंगे मेरे को। खोला उसने खोला तो 10,000 में एक रुपया कम। ये तो टेंशन वाली बात है क्योंकि कहा था कम होगा तो भी नहीं लूंगा वो पड़ोसी बराबर देख रहा है कि अभी ये वापस फेंक देगा क्योंकि एक रुपया कम है। तो फिर वापस उसने गिना फिर एक रुपया कम तो एक रुपया कम ही था फिर तीसरी मरतबा गिना फिर एक रुपया कम। तो क्या किया मालूम एक रुमाल में सब लपेटा हाँ और लेके जाने लगा कहने लगा अल्लाह बहुत पक्के हिसाब में रुमाल का पैसा भी काट लिया। वो बाजू वाला तो हैरान के कहा इसको छेड़ा मेमन को मेरे भी दिन खराब है आज ही अनवर को छेड़ता हूँ। खैर अल्लाह सबके जान माल में बरकत देवे। मैं आप तमाम का नानन पेड़ा वाले यहाँ के बहुत खुशी होती है अल्लाह आपके जान में माल में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए अल्लाह सबको खूब तंदुरुस्ती अता फरमाए। यहाँ जो पाँच मौलाना है बहुत प्यारे प्यारे मौलाना मौलाना ज़ियाउल हक साहब आप है कौन है मौलाना ज़ियाउल हक साहब माशाल्लाह मौलाना ज़ियाउल हक साहब भी है मौलाना नासिर साहब भी है मौलाना आदिल साहब भी है हाफिज़ जुमा साहब भी है जुमा साहब जुमा पूरा माशाल्लाह हमारे यहाँ भी एक जुमा है मैंने उनका नाम ही रखा मिस्टर फ्राइडे। हाँ हाफिज़ जुमा साहब भी है हाफिज़ सिराज साहब भी आप मौलाना आदिल माशाल्लाह। मैं जब भी आता हूँ और आप जब माइक लेते हैं ना हाँ तो मेरे को ऐसा लगता है एक्सप्रेस मौजूद है लोकल को काय को बुलाते हो भाई आप लोग। अल्लाह ने इनको अच्छी बहुत अच्छी उर्दू की फसाहत बलागत दी है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो ये सारे उलमा का भी दिलो जान से शुक्रिया बाकी सबका शुक्रिया अल्लाह ताला और हमारे वो बिलाल चचा और मोहम्मद भाई और जकी भाई हमारा नंदुरबार
मैं बोलूँगा नंदुरबार जाकर ये कैसा मामला है। अच्छा वो कार्ड में एक लाया हूँ, देखो ये बहुत बड़े अल्लाह के वली मौलाना तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम, उनका बाकायदा एक मैसेज चला कि हमारे जान माल आबरू की हिफाजत और हमारे गुनाहों की माफ़ी और सलामती, ये एक छोटी सी दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फिर लि ज़म्बी कुल्लह दिक्कह व जिल्ला व अव्वला व आखिरा व अलानियता व सिर्रा, ये दुआ जितना हो सके पढ़ते जाए, अल्लाह जान में माल में उम्र में बरकत देंगे और साथ में अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ़ करते चले जाएंगे। तो ये कार्ड आप लोग ज़रूर लेकर जाए। किसके पास है कार्ड? ज़की भाई, क्या बोलूँ, न्यानन पेड़ा वाला या नंदुरबार वाला, हाँ इनके पास कार्ड है, ज़रूर आप लेकर जाए इनके पास से। अभी हम दो मिनट जिक्र करेंगे, दो मिनट दरूद पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे और सबकी मुलाकात करेंगे, सब करेंगे ना मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह, और फिर हम रवानगी लेंगे। आप सब लोग दुआ करो अल्लाह दुनिया का सफ़र भी आसान करे, अल्लाह हम सब का आखिरत का सफ़र भी आसान करे और हाजी अनवर का उधार रहेगा। चलो सब लोग गर्दन झुका दो, दो मिनट अल्लाह का जिक्र, दो मिनट दरूद शरीफ। अब लाइट बंद कर दो, लाइट की जरूरत नहीं है। अब हम और हमारा अल्लाह, बोलो मैं और मेरा अल्लाह, शुरू करें। अल्लाह 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 Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la mashhuda illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la wahhaba illallah لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मोहम्मद व शफीइना मोहम्मद व सनदिना मोहम्मद व मौलाना मोहम्मद कलीमुल्लाहि मोहम्मद हबीबुल्लाहि मोहम्मद नजीउल्लाहि मोहम्मद सफीउल्लाहि मोहम्मद अब्दुल्लाहि محمد رسول الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا। सब दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैदिना मौलाना मोहम्मद वाला अली सैदिना मौलाना मोहम्मद वबारिक वसलम अलहमदिल्ला रबीआलमीन वसलात वसलम सैदिलमरसली वाला अली वसहाबी अजमाइन खल्लाम सल अला मोहम्मद फ़ियाली दुआना अल्लाम सल अला मोहम्मद फ़ियासत दुआना अल्लाम सल अला मोहम्मद फ़ी आखिर दुआना यार हमर राहिमीन यार हमर राहिमीन यार हमर राहिमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा अहलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन के अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा अल्लाह बहुत गुनहगार है अल्लाह बहुत गुनहगार है अल्लाह माफ़ कर देना अल्लाह अल्लाह मेहरबानी करके माफ़ कर देना अल्लाह अल्लाह कहना बहुत आसान होता है सुनना बहुत आसान होता है अमल करने वाला बना दे अमल करने वाला बना दे ए अल्लाह आज हम बाहर की दुनिया में भी परेशान घर में भी परेशान आसमान का तेवर भी बदल जाता है ज़मीन का तेवर बदल जाता है अल्लाह हमें मालूम है ये कुछ नहीं है अल्लाह सीधी बात है अल्लाह तू हमसे नाराज़ हो गया है तू हमसे नाराज़ हो गया तू रूठ गया है अल्लाह हम बहुत गुनहगार हैं अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार अल्लाह मैं किसी और के बारे में नहीं जानता तेरी कसम अल्लाह यहाँ किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा अल्लाह मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ अल्लाह बस अल्लाह तू माफ़ कर दे अल्लाह अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह हम लोगों से ऐसे ऐसे गुनाह अल्लाह कह भी नहीं सकते किसी को बता भी नहीं सकते अगर माँ को मालूम हो जाए मेरा बेटा ऐसा है बाप को मालूम हो जाए मेरा बेटा ऐसा है बीवी को मालूम हो जाए मेरा शोहर ऐसा है हमारे पोते और नवासे को मालूम हो जाए मेरा नाना और दादा ऐसा है क्या जवाब देंगे अल्लाह तूने इज़्ज़त का मामला रखा है अल्लाह इज़्ज़त के साथ आफ़ियत के साथ ज़िंदगी को मुकम्मल फरमा देना अल्लाह दुनिया में भी जलील और रुस्वा मत करना आखिरत में भी जलील और रुस्वा मत करना अल्लाह तो कितना प्यारा है ना अल्लाह तो कितना प्यारा अल्लाह इतने गुनाह देखा कभी भूखा नहीं सुलाता कभी प्यासा नहीं तड़पाता कभी बदन से कपड़े नहीं छीनता ए अल्लाह अल्लाह तू चाहता तो हमें नंगा करके रास्ते पर पटक सकता था तू बहुत प्यारा है अल्लाह बस हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दे दे अल्लाह उम्रे में बुला ले लंबा ज़माना हो गया बहुत सारे लोग हज में जाके आ गए अल्लाह अल्लाह वो कितनी प्यारी आँख है जो काबे को देख कर आए अल्लाह कितना प्यारा हाथ है जो मुल्तज़म को चिमट कर आए कितना प्यारा होठ है जो हजर अस्वद को चूम के आए और कितना प्यारा बदन होगा जो नबी की कब्र मुबारक पे जाकर आए नबी के रोज़े मुबारक पे जाके अल्लाह याद आती है अल्लाह मक्का याद आता है मदीना याद आता है प्यारे नबी याद आते वो अलग बात है कि पाँव बहुत गुनहगार है बुलावा नहीं आता लेकिन अल्लाह सब याद आते हैं अल्लाह प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमा दे खिलाल आलमीन प्यारे नबी के इत्तबा अता फरमा दे उनके नक्शे कदम चलने की तौफीक अता फरमा दे इलाल आलमीन औलिया किराम की मोहब्बत अता फरमा दे अल्लाह हजरत हुसैन मैदान करबला में कैसे आगे बढ़े हो गए अल्लाह हमारी भी बेटी है अल्लाह अगर हमारी बेटी हमारा पाँव पकड़ ले और हमको कहे अब्बू मत जाना हम बेटी को अपने सीने से लगा लेते हजरत हुसैन पर क्या गुजरी होगी दो बेटे का जनाजा रखा हुआ और बेटी को कहते हुए जाते हैं मेरी बेटी सकीना ये मत समझना कि तेरा अब्बा तुझसे मोहब्बत नहीं करते लेकिन मैं चाह रहा हूँ अल्लाह इलाल आलमीन उस घड़ी के सदक़े हमको नमाजी बना दे हम सबको नमाजी बना दे हजरत हुसैन ने जो चाहा कि जान दे सकता मगर नमाज कज़ा नहीं कर सकता आज पूरे नानन पेड़ा को नमाजी बना दे हमारी बहनों को नमाजी बना दे हमारी माओं को नमाजी बना हमारी बेटियों को नमाजी बना दे हमारे बच्चों को नमाजी बना दे दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे और अल्लाह ये मुहर्रम महीने में एक भीख मांग रहे जिनके माँ बाप जिंदा है ना अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे दे माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह और अल्लाह जिनके माँ बाप चले गए ना अल्लाह मेरे अम्मा अब्बा भी चले गए माँ भी चली गई अल्लाह ये बयान करना आसान हो जाता है तू करवा देता है लेकिन वो घड़ी बहुत मुश्किल थी जब लोगों ने कहा काली सवाब
तुम्हारी अम्मा के जनाजे की नमाज पढ़ाना है, तुम्हारे अब्बा के जनाजे की नमाज पढ़ाना है। अल्लाह बहुत मुश्किल घड़ी अल्लाह, इलाल आलमीन जिनके अम्मा अब्बा तेरे पास आ गए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह दो तीन दिन पहले हमारे सुहेल का इंतकाल हो गया सूरत वाले, अल्लाह उनकी कब्र को भी नूर से भर दे। हमारे माँ बाप की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, जन्नत की नेमतें बना दे, जन्नत की नेमतें लुटा दे, कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दे। इलाल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी आता फरमा, जितने शुरूर से पना मांगी हिफाजत फरमा, हमारे बीमारों को शिफा आता फरमा। इलाल आलमीन जितने बीमार, मैं खुद बीमार, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा आता फरमा, हमारे सफ़र को आसान फरमा, दुनिया आखिरत दोनों सफ़र को आसान फरमा। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सब की दुआ को कबूल फरमा। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी अय्युल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़।